hi good morning everyone i'm pavneet kaur i'm really grateful to see you all here and all the online friends who are watching this so uh, today we are going to understand all the offerings that we have under the mentorship program that is being offered here so there are certain activities that we have planned for you on day-to-day -day basis based on which you will be evaluated along with that we also want you to track your own progress there are certain activities that you have to perform every day so this is why we have uh,

या फिर क्लास में आप आए हैं कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है मिस आउट हो गया है अगेन उसके लिए यू कैन विजिट द क्लास बट लेकिन इसके लिए भी एक टाइम पीरियड है जो आपको करना है नेक्स्ट इज द हैंड रिटन नोट्स जो की अवेलेबल है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन भी ये सब चीजें तो आप डे टू डे बेसिस पर कर रहे हैं बट शायद आप ये तीन चीजें मिस आउट करेंगे पहली चीज है आपका सिनॉप्सिस का टैब तो जब भी आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं

किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसका पहले तो बनाना क्यों है यू पीपल शुड नो दिस अटेंडिंग अ क्लास टू दिसन पेजेस का नोट हो जाता है एक ही क्लास के लिए एट टाइम्स वो पेजेस तक भी चला जाता है बाय द टाइम दो महीने हो जाते हैं उस क्लास को जब आप उन नोट्स को फिर से रिविजिट करेंगे आपको बहुत प्रॉब्लमैटिक लगेगा बहुत बल्कि लगेगा तो पहले तो यू हैव टू स्क्वीज द साइज ऑफ इट उसको एकदम कॉम्पैक्ट वे में लिखना है जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है एक से दो पेजेस के बीच में ही लिखना है। Second thing is that, जब आप क्लासेस में आते हैं आप वही कर रहे हैं जो पढ़ाया जा रहा है But उस टाइम आपके एनालिटिकल स्किल्स वर्क नहीं कर रहे हैं तो यू गो बैक होम बनाने से पहले, notes, right? जब आप उनको करेंगे, से क्या इम्पोर्टेंट की देम और क्या हमारे को छोड़ना है उसके अंदर तो बेस्ड ऑन दैट आपका एनालिटिकल स्किल्स जो है वो वर्क करने स्टार्ट कर देंगे ये आपको लॉन्गर रन में हेल्प करेगा कि आप एनालिसिस करना सीख जाए हर चीज का एंड देन इसको क्रिएट करने का क्या प्रोसेस है लेट्स सर ने क्लास में चार कॉम्पोनेंट पढ़ाए हैं इट मींस यू हैव फोर ब्रॉड हेडिंग उन हेडिंग्स के अंडर सर ने बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए होंगे अक्रॉस द पेजेस यू हैव टू पिक एंड चूज फ्रॉम इट कि इसमें से क्या रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है मुझे पिक करनी है और क्या हमें छोड़नी है आई नो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इनिशियली हमें कैसे करेंगे हाउ डू वी नो विच इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट विच इज नॉट तो उसके लिए इनिशियली आपको यही करना पड़ेगा जब आप अपने सिनॉप्सिस बनाएंगे फर्स्ट कॉम्पोनेट रिवाइज कीजिए जब आपने फर्स्ट कॉम्पोनेंट रिवाइज किया अपने पेज को डिवाइड कर लीजिए टू या थ्री पेजेस में इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कोई भी कैसे भी कर सकता है ये तो नीट नहीं है हम ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे सिनॉप्सिस बनाते हैं तो उन्होंने थ्री पार्ट में डिवाइड कर लिया है अपने पेज को राइट right? तो आप क्या करो आप दो पेजेस में भी कर सकते हो बट लेकिन आपकी हेडिंग्स लिखी होनी चाहिए वो अच्छे से हाईलाइटेड होनी चाहिए एंड देन उसी के अंडर आपने क्या करना है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को इनकलकेट करना है वहीं पर ही ऐड करना है उसके लिए आप क्या करेंगे फर्स्ट कॉम्पोनेंट जब आपने रीड किया तो अपने सिनॉप्सिस पास रखी है उसी में से अगेन रीड करो और पिक करो कि मेरे को इसके अंदर क्या क्या ऐड करना है तो ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा लिटिल बाय लिटिल जब आप बाकी की एक्टिविटीज में भी इंडल्ज हो जाओगे आप खुद अंडरस्टैंड करने लग जाओगे कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो हमारे को इसके अंदर लिखनी है तो अब सिनॉप्सिस के कुछ कॉम्पोनेट हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं वो कॉम्पोनेंट्स क्या है फर्स्ट मैंने बता ही दिया है हेडिंग होनी चाहिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए आप बहुत सारे स्कीमेटिक्स भी यूज कर सकते हैं अब जैसे कि यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड उसकी डेवलपमेंट बताई है तो आप एक फ्लो चार्ट भी यूज कर सकते हो यहाँ पर अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट है आप एक छोटा सा मैप बना सकते हो वहां पर अगर दो चीजों को कंपैरिजन करना है सो यू कैन आल्सो फॉर्म अ टेबल देयर एंड फॉर दैट आई सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप फॉर्म में पेपर को यूज कीजिए उसमें अगर आप पेपर को थ्री पार्ट में भी डिवाइड करेंगे यू विल हैव सफिशिएंट पेज जिसके अंदर आप ये सब कुछ ऑन कर सकते हैं राइट right? इतना क्लियर है आप लोगों को तो अब जब आपने ये कर लिया डे टू डे बेसिस पर यू पीपल हैव टू मेक श्योर कि सारे के सारे नोट एक से डेढ़ पेज के बीच में ही कॉम्पैक्ट वे में लिखें उसके बियॉन्ड मत जाइए हमारा मेन पर्पस ये है की हमारे उसका बल्क रिड्यूस करना है पहले एंड उसके बाद सबमिशन बहुत ही इजी है आई आई बिलीव सबमिटेड अपने अपने जस्ट टू स्टेप्स हैं आप अपने टैब को जाकर सेलेक्ट कीजिए कोई भी एक अच्छी स्कैनिंग ऐप डाउनलोड कर लो आई सजेस्ट अडोप स्कैनर वो बहुत अच्छे से बहुत ही अच्छी क्वालिटी है उसकी बेस्ड ऑन दैट आप को अपलोड कर दीजिए अपने टैब पर देन अगेन इसके अंदर क्या है वैलिडिटी हमने डेलीबरेटली रखी है इसके अंदर क्योंकि अगर आप इसके बियॉन्ड जाकर के कभी सबमिट कर रहे हैं इसका मतलब ये है यू आर रनिंग बिहाइंड द टाइम आप लोग रेगुलरली नहीं रिवाइज कर रहे हैं अपने नोट्स इसीलिए जब भी आप नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं साथ साथ में ही कोशिश कीजिए कि आप अपने सिनॉप्सिस बनाएं और टैब पर अपलोड करें उसके बाद हम जब इसको इवेलुएट करेंगे शायद स्टार्टिंग में आप थोड़े बल्कि बनाएं अपने सिनॉप्सिस को बट लेकिन लिटिल बाय लिटिल आप उसका साइज जो है स्क्वीज़ आउट करते जाएंगे इसके बाद हमने एक एक्टिविटी जो रखी है वो रखी है डेली मेन्स आंसर राइटिंग की ये हमने इसलिए रखी है सो दैट स्टार्टिंग से ही आपको हैबिट हो जाए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जो भी आंसर राइटिंग क्वेश्चंस है बट लेकिन हम लोगों ने इसका लेवल बहुत ही बेसिक रखा है बेसिक लेवल इसलिए रखा है सो दैट यू नो मेनी टाइम स्टूडेंट्स डर जाते हैं छोड़ देते हैं लिखना तो हम चाहते हैं कि आप रेगुलरली लिखें आप सबमिट करें हम आपको उसके ऊपर अच्छे से एक फीडबैक दें सो दैट आप उसको इम्प्रूव कर सके तो so, प्लीज इसे मिस आउट मत करो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आंसर राइटिंग से रिलेटेड ये है दैट आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि तीन डिफरेंट लेवल्स के क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीएससी में ठीक है लेवल वन लेवल टू एंड लेवल थ्री तो जो लेवल वन टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जैसे कि एनसीआर की जो है, रीडिंग्स हैं एनसीआर के, you know, तो दोनों दोनों के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं तो ये बेसिक क्वेश्चन है ओशियानिक टेंशन के ऊपर एंड देन अगर आप मेन्स का ही अगर क्वेश्चन देखेंगे प्राइमरी रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछे हैं तो ये क्या है ये एल्वन लेवल के क्वेश्चन है जो आते हैं अभी हम आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं so आप एक रेगुलरिटी बन जाए की ट्रांजिशनल क्वेश्चन इट मीन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए होता है तो फर्स्ट टाइप के so क्वेश्चन so में वॉट पूछते हैं मतलब कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग बट लेकिन यहाँ पर रीजनिंग भी पूछ सकते हैं व्हाई कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है लाइक दैट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड एनी थ्री आर द मोस्ट इंट्रीगिंग क्वेश्चन इसमें क्या होता है क्वेश्चन बहुत लेड रहते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको तीन डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन होंगी अलग अलग एंड देन यू हैव टू हैव अ डीप एनालिसिस सो दैट आप लोग एलिमिनेट करके या फिर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर इसको सॉल्व कर सके सेम इज द केस विद योर मेन्स क्वेश्चन ओके आर आर द ऑफ दैट

इट विल ऑल्सो हेल्प यू इवेल्युएट योर ओन स्किल्स या फिर आपने क्या क्या लर्न किया है क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट तो वर्कबुक में हम क्या करते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डालते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गए फिलअप हो गए एमसीक्यूज हो गए टेबल्स हो गए जिनको आपको कंप्लीट करना होता है तो वर्कबुक सेशन उसी पर बेस्ड है तो हम लोगों का वर्कबुक का पैटर्न ही यही है जैसे जोग्रफी की वर्कबुक है तो पहले हम उसका सिलेबस देते हैं कि वॉट यूपीएससी से अबाउट है क्या को क्या प्रिपेयर करना है

कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इसमें हम आपको हेल्प करने वाले हैं।